उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में जहानाबाद थाना क्षेत्र के पंतू सिंह का पुरवा में दो सगे भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि 18 वर्षीय प्रसाद अपने घर पर बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक सामने से चल रहा फर्राटा पंखा गिर गया, जिसके वो ठीक करने लगा और उस पंखे में तेजी से दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गया। वहीं बगल के बाथरूम में नहा रहे छोटे भाई विशाल ने देखा तो उससे बड़े भाई को बचाने के लिए आ गया, लेकिन वो भी उसके बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। बताया जाता है छोटे भाई अपने जान की परवाह किए बगैर उसको पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगा, जिससे वह भी चपेट में आ गया। वहीं दोनों भाइयों की मौत पर घर वालों में शोक का माहौल है। ये घटना कैसे हुई है? बाजार गया हूँ, बाजार जाने के बाद यहाँ गांव के देखा करंट में बिजली के तार में दिख गए। जब यह अस्पताल ले गए, बाजार में खबर मिली तो मैं गया, वहाँ मुझे नहीं मिले, फिर मैं यहाँ वापस आया हूँ। मरे हुए बच्चे डॉक्टर ने मरे घोषित कर दिया, तब घर में मैं आया पाया। आप चाचा हो इनके, क्या हुआ था? जी हाँ, मैं इनका चाचा हूँ, लड़के का दोनों का। हम लोग भी खेत पर थे, जैसे ही खेत पर सूचना पहुंची तो हम लोग दौड़ते दौड़ते घर आए, और घर आए तो गांव वाले उनको बच्चों को लेकर अस्पताल जा चुके थे। इसके बाद हम लोग अब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर से भी बात हुई, डॉक्टरों ने हमारे सामने ये दोनों बच्चों को मृत घोषित किया। तब तक लड़के के पिता वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, वहाँ से मिट्टी लेकर के हम, चूँकि गाँव के लोग बहुत से पैदल गए थे, बहुत से साधन से गए थे, गाँव में कोहराम की स्थिति थी, इस वजह से मिट्टी को घर वापस लेके आए। बाद में लड़के के पिता माता जी सारे घर परिवार के लोग आ पाए, पूरे गांव प्रधान प्रशासन सभी लोगों की सहमति है कि मिट्टी का पोस्टमार्टम कराया जाए। ठीक, प्रार्थी की पोजीशन बहुत ही खराब है, उम्मीद करता हूं कि सरकार से या प्रशासन से जिस तरह की भी मदद हो जाए, क्योंकि प्रार्थी का पिता विकलांग है पैर से, और वही दोनों लड़के उसके बुढ़ापे के सहारे। फतेहपुर से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।